नमस्कार इंडिया, स्वागत है। अगर दोषी होंगे तो दोषी तो कहाँ होगी, कोई भी प्रक्रिया तो है, जांच होगी तो नहीं होगी। वही तो दोषी जांच करने वाला कौन होगा, जांच में कितने लोग निकलते हैं अधिकारी। जब से ये थाना बना है जी, ठीक है जी, तब का पूरा रिकॉर्ड और मेरे कार्यकाल का रिकॉर्ड, अगर इतने अपराध सुनी मेरी बात पूरी हो जाने की, यदि कहने कोई काम नहीं होता, किसने कितने अपराधी जेल भेजे। और बब्बू पांडे की उम्र 2 साल नहीं है, मुझे तो 8 साल हो गए, ये काम कब से हो रहा होगा उसका तो मैंने जानकारी नहीं है। आपसे मेरी कार्यक्रम शुरू नहीं हो गया, ये जान कब से हो रहा होगा। मैंने तो नेटवर्क ध्वस्त कर दिया, नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। 24 घंटे बाद आपने हमें सूचना दी, 1 मिनट मुकदमा लिखा है और उठाने के लिए जेल भेजूंगा। देखो जो बन रहा था उस समय, अब आप जो दे रहे हैं वो इतनी बड़ी उसको आप देख ही नहीं पाए कि इतना बड़ा मुकदमा। मेरी बात सुनिए सदर जी, मेरी बात सुनिए, आप जो हमें आप दीजिए, जो आप बड़ी से बड़ी धारा के मुझे दीजिए। हम लोग तो पहले आपके ऊपर एक मिनट जो काम हो, 1 मिनट लगेगा जेल भेजने। एक आदमी या तो आपको पीछे करते हैं, आप ही अकेले आए। 4 दिन पहले ये भी उनके हाथों से 3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन हुआ। हमारे सामने बब्बू पांडे का भतीजा है, छोटू पांडे करके है सर। हम आपके थाने पे गए, रात की मैटर था, मैं थाने पर उसके पास 10,000 रुपए भी था, वो छीन लिया। वो हमें बता से मिले सर, आपका एसआई था वो, जो आपके एसआई छोटा एसआई थे, और बोले कि जाके आप अस्पताल में मेडिकल करा के, यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये दवा आप जा करके वहाँ से, यहाँ कुछ कोई बात मत करिए, सीधा डांट के वहाँ से भगाया है। अरे 4-5 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले मिले ना, कार्रवाई न करें। सुनिए पहले मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ, अब यही तो आपका अस्पताल गए, वहाँ के डॉक्टर भी रिफर करने के लिए नहीं बोल के, क्योंकि उमेश क्या नाम है उनका, उमेश कुमार जो अध्यक्ष, वो वहाँ से रिफर करने के लिए नहीं तैयार थे।